हेलो एवरीवन, मैं अविनाश प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्स एंड मीन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमें ये जानना है कि ये जो हमारा 10 स्टूडेंट्स दिए, उसके फिजिक्स के मार्क्स दिए, केमिस्ट्री के मार्क्स दिए और मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए, इसमें से फिजिक्स में कितना मिनिमम मार्क्स आया है, केमिस्ट्री में कितना आया है, मैथमेटिक्स में कितना आया है। फाइन, उसी तरह हम जानना चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो आपका सेट ऑफ वैल्यूज़ है और आई वुड से रेंज आपने जो सेलेक्ट किया है, इसमें आपका कितना मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स है, जस्ट ये देखना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप देखो नीचे में आपका स्टेटस बार दे रहा है, यहाँ पर आपको देखो एवरेज शो करा 74.4, दैट मीन्स ये जो मार्क्स आपका है 10 स्टूडेंट्स का, तो इस क्लास का आपका जो एवरेज मार्क्स है वो आपका 74.4 है। काउंट आपका 10, टोटल आपका देखिए 10 स्टूडेंट्स दिए हुए और आपका सम आपका 744 है, जिसको हम अगर ऐड करेंगे तो 744 आएगा। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपका स्टेटस बार पे शो करेगा कि मिनिमम मार्क्स 50 आपका और मैक्सिमम आपका 93 है। ओके, बट आप जैसे ही बाहर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, बट हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करिए, इक्वल लिखिए और मीन फंक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और इस पूरे सेट ऑफ वैल्यूज को और रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट को आप क्लोज करिए और यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखो आपका बता रहा है कि मिनिमम मार्क्स आपका 50 है फिजिक्स में। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये देखो आपका क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। ठीक है, तो आप इसको इस डायरेक्शन में पकड़ कर ड्रैग कर दीजिएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला जो आपका कॉपी हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, तो ऊपर आपको आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं। तो इसको मैं पकड़ कर ड्रैग कर देता हूँ, इस फिल हैंडल को पकड़ कर मैं ड्रैग कर दिया, तो फॉर्मूला देखिए कॉपी हो गया आपका बाकी भी सेल्स में भी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमारा क्या मिनिमम मार्क्स हो गया, आप देखिए फॉर्मूला बार पे जाइए, आपको शो कर रहा है फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो 55 है। एंड सिमिलरली आपका मैथमेटिक्स में 62 है। आप मैक्स फंक्शन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्वल टाइप कीजिए, मैक्स लिखिए और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अब ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और एंटर पर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारा मैक्सिमम मार्क्स आपका शो कर रहा है 93 है। उसी तरह हम इसको पकड़ कर ड्रैग कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो आपका अब शो कर रहा है केमिस्ट्री में 96 है एंड आपका मैथमेटिक्स में आपका 99 है। तो हमें पता चल गया कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स क्या है। फाइन, तो देखो इस तरीके से आप मीन एंड मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर और आपको मैं बता देता हूं कि आप फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका फंक्शन लाइब्रेरी में आपको यहाँ ऑटो सम दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए तो आपको मैक्स एंड मीन फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी यूज करके कर सकते हो और यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, मीन या मैक्स फंक्शन को टाइप करके भी आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको छोटा सा इस जो वीडियो था इसमें आपको जरूर सीखने को मिला होगा मैक्स एंड मीन फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।